बीते करीब 50 सालों से अधर में लटका दिग्रह शहर के मोतीनगर आम्बेडकर नगर वासियों के लिचपट्टों का मुद्दा अब सुलझने की राह पर है। इस संबंध में हाल ही में भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों की निगरानी में संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिहायशी मकानों के सर्वे काम जमीन स्तर पर शुरू हो चुके हैं। परिसर के नगर सेवक सैयद अक्रम ने बताया कि नगर सेवक होने के नाते उन्होंने शुरू से ही लिचपट्टों के विषय को लेकर संबंधित विभाग और मंत्रालय में इस संबंध में कई बार न सिर्फ अर्जियां लगाई बल्कि विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा ताकि लोगों को उनके रिहायशी मकानों की जमीनों का अधिकार मिल सके। मैंने मेरे इलेक्शन पीरियड में इनसे वादा किया था कि जब मैं चुनकर आऊंगा तो आपको इंशाल्लाह लीज पट्टे दूंगा या दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने वही वादा निभाने की कोशिश करते हुए पिछले 4 साल से करीब करीब 6 से 7 बार मंत्रालय में मेरे मोतीनगर के लीज पट्टे के लिए पाठ पुरावा किया। अल्लाह ने उसमें कामयाबी अता फरमाई और आज मेरे मोतीनगर वालों को गवर्नमेंट ने जो अतिक्रमण नियमित करने का जीआर निकाला है उस जीआर के तहत जल्द से जल्द लीज पट्टे मिलेंगे। उसके सर्वे की कार्रवाई भूमि अभिलेख कार्यालय के अधिकारी कर रहे हैं और अतिक्रमण नियमित करके लीज पट्टे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ सब मोती नगर वालों को इंशाल्लाह इसी जमीन पर घरकुल भी मिलेंगे। मैं ये मेरे मोती नगर वालों से वादा करता हूँ। बहरहाल लिचपट्टों का सर्वे शुरू होने से परिसर के नागरिकों उत्साहित है। अब देखना होगा कि सर्वे के बाद लिचपट्टों के अधिग्रहण को अमली जाम पहनाने में संबंधित विभाग कितना सतर्कता दिखाता है बीसीएन न्यूज के लिए दिग्र से जुबेर खान की रिपोर्ट।